गुड मॉर्निंग क्लास, आज आपको करना है एक्सरसाइज सेक्शन। क्वेश्चन 1 to 8 मैंने आपको सॉल्व कराया था, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको सबट्रैक्शन करने के लिए कहा गया है। एक्सरसाइज 6A क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि 3A² B फ्रॉम -5A²B। सबट्रैक्शन करने के लिए कहा गया है, यानी कि फ्रॉम यानी कि बाद वाले नंबर से पहले वाले को मुझे माइनस करना होता है। ठीक है, आपका पहला नंबर मतलब बाद का नंबर क्या दिया आपका, इसके लिए तरीके में कि बाद का जो भी नंबर लिखा हो उसको यहां लिखो। ठीक है, और यहां माइनस का साइन लगा के ये जो पहला नंबर दिया होगा ये ऐसे करेंगे, ऐसे ही करोगे। ठीक है, या इसको चाहो तो ऊपर जो करके भी ले सकते हो वो भी करेंगे। अब देखिए यहां पे क्या दिया, सबट्रैक्शन या फिर एडिशन करने के पहले हम ये देख लेंगे जो नंबर लिखा हुआ लाइक के फॉर्म में है या नहीं। तो लाइक के फॉर्म में क्यों A²B, यहां पर भी A²B, बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। अब देखो यहां पे साइन माइनस, यहां भी माइनस है, इनको मिला के सेम साइन होता है, कंडीशन में हमें प्लस करना होता है, ये नंबर को प्लस कर देंगे। देखो किसको प्लस कर, लाइक से कोई मतलब नहीं है, अब लाइक का चार्ज है अब इससे कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ आपको 5 लिखा है और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इक्वल मिला के -8 और ये A²B जो होगा वही लिखो। ठीक है, या फिर इसी को बस सॉल्व करना है तो इसको ऐसा ले सकते हो कि बाद वाले में से 5A²। ठीक है, फिर से पहला नंबर 3A²। अब एक चीज का बस ध्यान रखना होगा, जब भी हम माइनस करते हैं तो साइन को बदलते हैं ना, जिसे कहते हैं ना कि 6 में से आप 4 को माइनस करो, क्या लिखते हैं, देखो 6 भी प्लस है और 4 भी आपका क्या लिखा हुआ प्लस के साथ लिखा हुआ है। तो सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते, ऐसे लिखिए ना कि 6 लिखिए या 4 लिखिए और नीचे वाले का साइन आप बदल दीजिए, हमेशा माइनस लिखते हैं क्योंकि हमने बस ये सीखा कि नीचे का नंबर वो प्लस के साथ करना है, तो इक्वल मिला के आपको माइनस करते हो। एक्चुअली वो रियल में ये भी आपका 6 ही था, प्लस ही था और ये 4 भी था, आपको रियल में प्लस 4 ही था, बट मैंने क्या किया नीचे के साइन को बदल दिया, तो वही हम यहां भी फॉलो करेंगे, यहां पे नीचे वाले का साइन क्या कर देगा वो बदल देंगे, प्लस होगा तो माइनस और माइनस होगा तो वो प्लस कर देगा। ठीक है, एक्चुअली लाइक के फॉर्म में दिया हुआ है आपको A²B आएगा ही, देखिए माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ पे इक्वल मिला के प्लस कर देंगे और साइन माइनस, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, आप फ्री हो जैसे सीखेगा वैसे करिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 लिखा हुआ है 2A - 5B +2C डेट सब्सटीट्यूशन लिखते हैं। ठीक है, -9 इसमें से आपको माइनस करने के लिए कहा गया क्या किसको, बाद वाले को लिखेंगे पहले ना, तो क्या मिलेगा आपको ये 3A - 4B -C +6 इसमें से माइनस करेंगे 2A - 5B +2C और ये -9, ये माइनस करके ध्यान बाद वाले। अब देखिए यदि बाद वाले में से पहले माइनस, अब मैंने क्या बोला है कि जो भी नंबर नीचे का दिया है वो सबका सबका साइन हम चेंज करेंगे, तो करना क्या होता है कि हम ब्रैकेट का यूज करेंगे सिंपली और यहाँ पे साइन करेंगे, क्योंकि ये सिंगल नंबर तो है नहीं, ये 4 टर्म्स में दिए हुए हैं तो सबका तो साइन बनेगा, इसे ब्रैकेट लगा के माइनस माइनस साइन का लगा दिए माइनस का। अब सोचो जैसे साइन यहाँ ब्रैकेट वहां माइनस है, जब ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे क्या करेंगे ओपन करेंगे तो सबका साइन बदल जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे जैसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे हर एक साइन बदलेगा, यहाँ पे क्या करता प्लस का ना तो ये बन जाएगा माइनस का,
ये बन जाएगा आपका माइनस का, ये बन जाएगा प्लस का, ये माइनस और ये प्लस। हम ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे, समझाने के लिए मैंने आपको कराया। अब सिंपली ध्यान रखना, जो यहाँ प्लस हुआ करता था वो रियल में माइनस बन चुका है, जो माइनस था वो प्लस बन चुका है, तो सब कुछ ये देखना है, ठीक है। सिंपली सॉल्व करेंगे, सिक्स और ये प्लस नाइन लिखा होगा, ये मिलने का कोई 15, 1c और ये 2c क्या हो जाएगा सर, माइनस 3c। देखिए क्या क्या ये प्लस 5 और ये माइनस 5, कुल मिला के मिलेगा आपको ये 1b। साइन किसका लिखोगे, प्लस साइन के ग्रेटेस्ट नंबर का, 3 है और ये 2 है, कितना हो जाएगा ये 1a, यानी कुल मिला के ये हुए 1b। बस ये हो गया सर। क्वेश्चन देखिए यहां से, तो क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि आपको 4p² + 5pq² - 6r² + 7 को आपको सबट्रैक्शन करने के लिए कहा गया है, किसमें से 3p² - 4q² - 5r² - 6 से, यानी कि 3p² को पहले लिखोगे 3p² - 4q² - 5r² - 6, 3p² - 4q² - 5r² - 6 से आपको माइनस करना है कितना, 4p² + 5q² - 6r² + 7। पता है सबट्रैक्शन करने में क्या करते हैं, नीचे बैठे बोला साइन चेंज कर देते हैं, तो ये मिल जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये आपका हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब ये साइन से कोई मतलब नहीं है, देखिए माइनस 6 और ये माइनस 7 कितना हो गया माइनस 13, ठीक है। अब देखिए यहां से ये प्लस 6 और ये माइनस 5, कुल मिला के क्या हो जाएगा ये 1, यानी कि 1r² 1 को लिखो या लिखो कोई मतलब नहीं, ठीक है। साइन आपका आएगा प्लस, ग्रेटेस्ट नंबर का साइन यूज करते हैं। देखिए अब लिखा माइनस 4 और यहां लिखा माइनस 5, कुल मिला के क्या मिलेगा, माइनस माइनस को हम प्लस करते हैं तो क्या मिलेगा ये 9 और ये क्यू है तो आपका q² मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपको प्लस 3 लिखा हुआ है और ये आपका माइनस दिया है, कुल मिला के मिलेगा 1t² यहां वाले को लेना है, तो अब इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 आपको वर्ड फॉर्म दे दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट मच विच सबट्रैक्टेड फ्रॉम टू दिस टू दिस, मतलब कि आपको कहा गया है कि 3a² - 6ab - 3b² - 1 से क्या सबट्रैक्शन किया जाए ताकि आपको 4a² - 7ab - 4b² + 1 मिल जाए। शायद कर पाओगे या फिर देख लो कैसे करोगे। क्या लिखा है, इतना बड़ा सा पॉलीनोमियल लिखा हुआ है ना, जो भी लिखा हुआ, खैर इसमें से बताइए, इसमें से बताइए क्या माइनस किया जाए ताकि आपको ये वाला पॉलीनोमियल मिल जाए, मतलब कि 3a² - 6ab - 3b² - 1 से क्या सबट्रैक्शन किया जाए। तो देखो एक तरह से इक्वेशन ही बन चुका है, तो इसी वैल्यू आपको पता है, ये आपको नहीं पता और ये वैल्यू भी आपको पता है, आपको सिर्फ क्वेश्चन मार्क ही तो फाइंड करना है। तो क्वेश्चन मार्क ये सपोज लो कुछ टाइम के लिए मैंने इसको कैपिटल एक्स मान लिया है, क्या मान लिया है कैपिटल एक्स, तो होगा क्या, मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, तो ये एक्स इधर चला जाएगा और ये आपका पूरा पूरा इस साइड में आ जाएगा, यानी ये ब्लॉक और ये देखना है यहां पर जब भी पूरा पूरा इधर चेंज नहीं करोगे तो अगर प्लस के साथ होगा ना तो ब्रैकेट लगा के इसको क्या करोगे, तो अगर प्लस के साथ होगा इधर आके माइनस हो जाएगा
और माइनस का होगा तो प्लस हो जाएगा, ये पूरा पूरा ब्रैकेट के पास आएगा। और किसके इक्वल आएगा वो एक्स के इक्वल आएगा, इसी में प्लस या माइनस कर लोगे जो भी करना होगा आपको, फिर यहाँ से एक्स के वैल्यू आ जाएगा। करना देखने आता कि नहीं आता है, देखिए लो क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा हुआ है। मान लेते ना कि लेट जो रिक्वायर्ड नंबर है उसको कुछ टाइम के लिए वो एक्स वगैरह का यूज कर लिया है ना, मतलब जो भी उसको हमारे कुछ टाइम के कैपिटल ए है, मैंने क्या मान लिया कैपिटल ए, क्योंकि वही तो कह रहा है कि 3a² - 6ab - 3b² - 1 से, ठीक है। क्या हमने मान लिया कि कैपिटल ए को माइनस किया जाए, ये आपका पूरा पूरा नंबर था, ठीक है। कैपिटल ए को माइनस किया जाए तो आपको मिल जाएगा 4a² - 7ab - 4b² और ये प्लस 1, ठीक है। मतलब ये आपको मिल जाएगा। तो मुझे ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ए देखो उस साइड ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहां से क्या मिलेगा आपको, ये 3a² - 6ab - 3b² - 1, ये पूरा का पूरा इस साइड में आएगा, इसके सामने प्लस का साइन है माइनस बन जाएगा, क्या बनेगा आपको, ये 4a² - 7ab - 4b² + 1 = हो गया आपको ए। अब चलिए ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो मिलेगा आपको 3a² - 6ab - 3b² और ये -1, लेकिन इसमें साइन कोई चेंज ही नहीं होती, ब्रैकेट के बाहर क्या दिया प्लस का साइन दिया हुआ है, बट आपका इसका साइन तो चेंज आएगा, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, -4a² + 7ab + 4b² - 1 = हो गया था ए। अब इसमें क्या करेंगे ना, लाइक वाले को लाइक के पास देखेंगे, देखिए तो ये 3² और यहां भी है आपका 3² बट आपका प्लस के साथ है और ये आपका माइनस के साथ दिया है, यानी कि -4 दिया और ये ऊपर मिला के मिलेगा आपको -a². आपको ऐसे भी कर सकते हो, प्लस ऊपर नीचे भी कर सकते हो। फिर आप ए बी के पास चलते हैं और यहाँ ए बी, यहाँ +7 और यहाँ माइनस ऊपर मिला के आपको मिलेगा ये ए बी। देखिए यहाँ लिखा b², यहाँ लिखा 4b² बट यहाँ माइनस और यहाँ प्लस के साथ लिखा है, निकुल मिला के आपको मिल जाएगा b². अब कॉन्स्टेंट के पास चलते हैं, -1 और यहाँ पर -1 निकुल मिला के क्या होगा -1 a², ठीक है। यानी कि तो जो आपका रिक्वायर्ड नंबर आया था, रिक्वायर्ड नंबर क्या मिलेगा -a² + ab + b² - 2, देखना है सही आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कर पाओगे, पेरिमीटर फाइंड करने के लिए कहा गया है किसका और रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल के अंदर दो साइड दिया, लेंथ दे दिया एक तरह से और ब्रेथ दे दिया, इसका पेरिमीटर इसी तरीके से फाइंड कर सकते हो। अब देखिए लिखा है कि द पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल इज, देखो एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, सिंपली मान लो इसका पेरिमीटर मैंने क्या दिया कि सपोज कर लो कि ये 15, इसका पेरिमीटर मुझे पता है कि 15 है, अगर ये साइड आपका 5 है, ये साइड 3 है, तो बताइए ये और साइड आएगा वो कितना है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या, आपको इस साइड 15 है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है, इस साइड पेरिमीटर इक्वल टू क्या होता है, पेरिमीटर इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअली ट्रायंगल है ना, तो क्या होगा सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड ऑफ द ट्रायंगल, तो क्या क्या ऐड कर लोगे, सर 5 + 3 + का ये मुझे नहीं पता, इसकी जगह आप एक्स मान लो, बट पी तो आपको पता है, पी कितना है सर 15 है, तो पी रिपोर्ट करोगे अब क्या करेंगे इसको प्लस करो, तो 15 पे ही रहने दो, ये कितना है आपका, ये 8 + x, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा,
फिफ्टीन माइनस एट इक्वल टू क्या हो जाएगा ये एक्स, इक्वल मिला के हो गया सेवन, यानी कि जो अदर साइड था वो कितना हो जाएगा तो वो सेवन। सेम क्वेश्चन यहाँ भी दिया हुआ है, बट ये जो आपका लेंथ वगैरह दिया हुआ है वो क्या कर देगा वो पॉलिनोमियल के फॉर्मूले देगा, ठीक है। उसने बोला जो उसका पेरिमीटर है जो 15 हुआ करता था, जो यहाँ 15 था ना उसको उसने बोल दिया है कि ये 6t स्क्वायर दिया है, 6t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 9 दिया है। अदर दो साइड दिए हैं जो अलग अलग, ये दिया आपका ये टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 और ये जो अदर ये दिया हुआ है 3t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 3, तो कह रहे इसकी वैल्यू बताए। सेम क्वेश्चन ही है, पेरिमीटर ये हम इसको पुट कर देंगे, पहला साइड ये, दूसरा साइड ये और जो तीसरा साइड है वो मुझे नहीं पता, तो उसके लिए मैं यक्स मतलब कोई ऐसा वर्ड मानना जो इसमें यूज ना हो, ठीक है, तो उसके लिए कैपिटल ए मान लेना। इन दोनों को प्लस करिएगा और बाकी जैसे इसके पहले क्वेश्चन में ट्रांसफर किया था वैसे ट्रांसफर कर।